हमारा दिल्ली चलो दिल्ली भरो अभियान आज हमारे वॉरियर्स फ्रॉम TWF YTF एंड टिप्रा मोथा हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली और हम लोग 5 और 6 तारीख को अपना जो डिमांड है फॉर ग्रेटर टिप्रा लैंड वो दिल्ली में जंतर मंतर में सबके सामने रखेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेंबर्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द टिप्रा मोथा स्पेशली द TWF टिप्रा मोथा एंड YTF जिसने बहुत भारी नंबर में अपने वॉलंटियर्स को दिया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे मेंबर्स लोग दिल्ली जा रहे हैं एंड वी विल बी पुटिंग अ डिमांड इन राइटिंग टू द होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर टिप्रा लैंड. सेकेंड पॉइंट है कि हमारा 2-3 इश्यूज है. हमें खबर मिला था कि चरिलाम में एक व्यक्ति का मौत हुआ है. वी आर वेरी सैड कि कहीं में भी कोई त्रिपुरावासी का अगर मर्डर होता है या उसका मृत्यु होता है हमें मालूम नहीं है कि वो क्या पार्टी से है. लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर में और हमारे टिप्रा मोथा के व्यू से वो पार्टी वर्कर बाद में है. पहले एक किसी का पिता है, किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है और सबसे इम्पोर्टेंट वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है. तो अगर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी का भी मृत्यु होता है तो उससे हर पॉलिटिकल व्यक्ति को हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और जिसने भी ये मर्डर किया है उनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. फिर से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्म का बात है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी का मर्डर को या किसी का डेथ को क्योंकि वो कोई पार्टी का वर्कर है. वो सबसे पहले हिंदुस्तान का नागरिक है और नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एक अलग एक ऐसे ही राज्य है जहाँ में जब पार्टी वर्कर का मृत्यु होता है तो हम बोलते हैं कि वो पार्टी वायलेंस से मारा गया. वो एक्चुअली अगर जिसने भी इसको ये उनका उनके ऊपर हमला किया इसको मारा पुलिस